नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम रूबरू कराएंगे आपको आज की सबसे बड़ी खबरों से। आपको बता दें कि अभी अभी भारत सरकार से बहुत बड़ी खबरें निकल के आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की 10 सबसे बड़ी खबरों के बारे में। आपको बता दें कि कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में 1,85,000 नए केस, जिनमें 1,025 लोगों की मौत। इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि इस तारीख को आएंगे पीएम किसान के 2,000 रुपए, अटक जाएगी रकम अगर आपने कर दी है बड़ी गलती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे पेट्रोल एवं डीजल के लाइव रेटों के बारे में। आपको बता दें कि आज मिली राहत, घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। वहीं आपको बता दें कि मुंबई से बिहार के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। बात करेंगे इसी के साथ अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 20 मई तक की गई स्थगित। वहीं दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, जाने किन कामों के लिए निकलने की होगी छूट, क्या क्या रहेंगी पाबंदियां। इसी के साथ दोस्तों, जानेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि खूनी संघर्ष में 7 की मौत, 300 घायल, पाकिस्तान में मचा है गदर, जाने कैसे बन गए हैं गृह युद्ध जैसे हालात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि इन 18 जिलों में 2.21 लाख पदों पर होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, मतदान शुरू। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी मोबाइल फोन यूज करते हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि 84 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड इंटरनेट मात्र 329 रुपए से शुरू, जियो प्रीपेड प्लान। अगर दोस्तों आपके पास LPG गैस सिलेंडर है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि बिना एड्रेस प्रूफ के भी बुक कर सकेंगे LPG गैस सिलेंडर, इस तरह करना होगा अप्लाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे ऐसी ही 10 सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो आपसे कहना है कि आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, जिससे आपसे कोई भी काम की खबर मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। तो जान लेते हैं दोस्तों आज सबसे पहले कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बता दें कि कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में 1,85,000 नए केस, जिनमें 1,025 लोगों की मौत। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए नए रिकॉर्ड स्थापित करती जा रही है। देश में मंगलवार रात तक संक्रमण के 1,85,248 नए मामले दर्ज किए गए। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1,025 लोगों की मौत हो गई है। अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,70,731 हो गई है। कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिरकर 89.51% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,114 हो गई है। उपचाराधीन लोगों की संख्या भी बढ़कर 13,60,330 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 9.24% है। अब तक 1,23,32,636 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु दर 1.25% है। देश में 24 घंटों के दौरान जिन 1,025 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, उनमें से 281 महाराष्ट्र से, 156 छत्तीसगढ़ से, 61 लोग कर्नाटक से और 85 उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से 85 लोग हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि इस तारीख को आएंगे पीएम किसान के 2,000 रुपए, अटक जाएगी रकम अगर कर दी ये गलती। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें हैं कि इस महीने के आखिर तक किसानों के अकाउंट में किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में साल में 2,000 की 3 किस्तें डाली जाती हैं, यानी साल में कुल 6,000 रुपए किसानों को सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इस बार सरकार 11.66 करोड़ किसानों के खाते में यह रकम डाल रही है। सरकार पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक देती है, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक आती है, तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच दी जाती है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक, यानी 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के दौरान, 1 किस्त किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, जाने किन कामों के लिए निकलने की होगी छूट, क्या क्या रहेंगी पाबंदियां। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी को काबू करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वीकेंड में होने वाली सोशल गैदरिंग और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए यहां वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि ये पाबंदी आप लोगों की सुरक्षा के लिए है।
केजरीवाल ने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम आदि सब पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चला सकेंगे। इसके साथ ही हर जोन में एक दिन में केवल एक सप्ताह ही बाजार की अनुमति दी जाएगी। बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। लोग आज से ही पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में जारी कोरोना की चौथी लहर के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को कहा था कि शहर में हालात बेहद गंभीर हैं, बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें। केजरीवाल ने कहा था कि कोरोना की चौथी लहर पिछली लहर से ज्यादा खतरनाक है, सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन अगर अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो रहे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं 20 मई तक की गई स्थगित। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को कहा था कि यूपी बोर्ड की तारीखों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना पीक का आकलन समय समय पर किया जा रहा है। हमारे 19 अधिकारियों जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हैं, इनमें से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 8 मई से शुरू होनी थी। 10वीं की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 25 मई को समाप्त होनी थी, जबकि 12वीं की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 28 मई को समाप्त होनी थी, लेकिन अब बोर्ड हालात की समीक्षा करने के बाद नया टाइम टेबल जारी करेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मुंबई से बिहार के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र मुंबई से बिहार लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। ये ट्रेनें दानापुर के अलावा राज्य के अलग अलग स्टेशनों तक जाएंगी या राज्य के स्टेशनों से गुजरेंगी। दोस्तों जान लेते हैं इसी के साथ आज पेट्रोल एवं डीजल के रेटों के बारे में। आपको बता दें कि आज मिली राहत, घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। आपको बता दें कि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। कंपनियों ने 15 दिन बाद दाम घटाए हैं। तब सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 16 पैसे और डीजल के रेट में 16 पैसे तक कम किए हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.40 रुपए जबकि डीजल का दाम 80.73 रुपए है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.81 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि इन 18 जिलों में 2.21 लाख पदों पर होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, मतदान शुरू। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शुरू होगा। सोशल मीडिया के साथ साथ राजनीतिक दल के कई नेताओं ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव के टालने की बात की थी, लेकिन पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने साफ कर दिया कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। आज 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए मतदान होगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में खूनी संघर्ष से 7 लोगों की मौत, 300 घायल। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर से हिंसक झड़प की आग की लपटों से झुलसता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर बीते 3 दिनों से कट्टर इस्लामी पार्टी के समर्थक आतंक मचाए हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की वजह से पाकिस्तान जंग का अखाड़ा बन चुका है और इस खूनी जंग में अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों घायल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।